हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं नया साल है तो जाहिर सी बात है 2020 यानी गुजरा साल कैसे गया बॉलीवुड के लिए उसकी बातें भी होनी चाहिए तो इस वीडियो में हम एनुअल राउंड अप ट्वेंटी की बातें करेंगे लेकिन क्योंकि बहुत सी बातें हैं दिस इज ओनली द फर्स्ट इन द सीरीज यानी अलग अलग वीडियोज होंगे एनुअल राउंड अप ट्वेंटी सीरीज के तो यह है पहला वीडियो ऑफ एनुअल राउंड अप ट्वेंटी फ्रेंड्स 2020 ये साल का नाम लेते ही कोरोना वायरस कोविड 19 सोशल डिस्टेंसिंग ये सब बातें याद आती हैं लेकिन बॉलीवुड लवर्स को यह याद दिलाना जरूरी है कि लॉकडाउन और पैंडेमिक शुरू होने से पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी ब्लॉकबस्टर इसी साल रिलीज हुई थी यानी 2020 में ही रिलीज हुई थी इनफैक्ट तानाजी दी अनसंग वॉरियर के अलावा एक ही फिल्म है जो ठीक ठाक चली थी और वो थी बागी थ्री यानी एक ब्लॉकबस्टर और एक सफल फिल्म थप्पड़ जस्ट अबाउट मैनेज टू डू ओके बिजनेस लेकिन तारीफ हुई थी क्रिटिकल अकलीम उस फिल्म को मिला था और अगर प्री लॉकडाउन डेज के पहले की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो दो ही फिल्मों के नाम सबसे पहले आते हैं लव आजकल 2020 एंड अंग्रेजी मीडियम बोथ दीज फिल्म फेस्ड कंप्लीट रिजेक्शन अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी मीडियम के लगने के रिलीज होने के तुरंत बाद ही तो लॉकडाउन शुरू हुआ शायद इस वजह से फिल्म फ्लॉप हुई ऐसा नहीं है फिल्म की तारीफ भी नहीं थी रिजेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ऑल थ्रू द लॉकडाउन भी रिजेक्शन वॉज द कैचवर्ड उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान हुआ क्या क्योंकि सिनेमाज बंद थे फ्रॉम अराउंड फिफ्टींथ सेवनटीन मार्च टिल टेंथ अक्टूबर इसलिए कुछ प्रोड्यूसर्स ओ पर अपनी फिल्में प्रीमियर करने के लिए तैयार हो गए ऑफकोर्स मल्टीप्लेक्सेज और सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ने इस मूव को जो प्रोड्यूसर का मूव था इसको बहुत प्यार से नहीं देखा इनफैक्ट उन्होंने इस कदम को क्रिटिसाइज किया लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि प्रोड्यूसर्स अपना इंटरेस्ट देखने ही वाले थे अगर सिनेमाज बंद थे तो उनके पास जो भी ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा था वो उस ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लॉयड करने वाले थे खैर जो ओटी टी प्लेटफॉर्म्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में रिलीज हुई इन ऑल उन्नीस फिल्में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई सिनेमा प्लेटफॉर्म को बाईपास करके एंड यकीन मानिए लगभग सारी फिल्में फ्लॉप हो गई यानी सारी फिल्में पब्लिक ने रिजेक्ट कर डाली इसका यह मतलब है कि घर बैठे भी वो फिल्में पसंद नहीं आई एक्चुअली अगर देखा जाए तो गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एंड लूडो इन दो फिल्मों की तारीफ हुई इनके अलावा किसी फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं हुई इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिल्म प्लॉट चाहे वो सड़क टू हो या फिर अक्षय कुमार लकी हीरो अक्षय कुमार की लक्ष्मी हो जो पहले लक्ष्मी बॉम्ब थी या फिर साल की आखिरी फिल्म जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आई कुली नंबर वन हो सारी फिल्में एक के बाद एक एक के बाद एक उनकी निंदा होती गई दे फेस रिजेक्शन द बॉक्स ऑफिस अगर हम नंबर ऑफ फिल्म्स की बात करें तो कुल मिलाकर जनवरी फेबर मार्च मिड मार्च तक जब लॉकडाउन शुरू हुआ एंड अक्टूबर 10 को लॉकडाउन लिफ्ट हो गया सिनेमाज खुल गए लेकिन अक्टूबर के महीने में सिनेमाज में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई उसके बाद नवंबर और दिसंबर में कुछ फिल्में रिलीज हुई तो अगर हम जनवरी फेबररी मार्च एंड नवंबर दिसंबर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 2020 में 66 सिक्स फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई इन सिक्सटी फिल्मों में से फिफ्टी सेवन फिल्में हिंदी थी और नौ फिल्में डब थी अगर ब्रेकडाउन आप चाहते हैं तो जनवरी में बाईस हिंदी फिल्में और तीन डब फिल्में। फरवरी में चौबीस हिंदी फिल्में दो डब फिल्में मार्च में मार्च का तो आधा ही महीना था तो मार्च में चार हिंदी फिल्में एंड एक डब फिल्म फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सिनेमाज बंद अक्टूबर 10 से शुरू हुए खुलना लेकिन वो रीओपनिंग स्टैगर्ड था जिन प्रांतों में करोना वायरस पेंडेमिक कम हो चुका था उन प्रांतों में सिनेमाज खुल गए मगर अक्टूबर के महीने में कोई फिल्म सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई मेनली बिकॉज मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमाज अभी भी बंद थे मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमाज नवंबर से खुले इसलिए फिल्में रिलीज होना वापस सिनेमाघर में रिलीज होना नवंबर से शुरू हो गई और नवंबर के महीने में केवल दो हिंदी फिल्में और एक डब फिल्म रिलीज़ हुई और दिसंबर यानी साल के आखिरी महीने में पांच हिंदी फिल्में और दो डब फिल्में और इस प्रकार से 57 हिंदी फिल्म्स रिलीज हुई 2020 में सिनेमाज में एंड नॉट डब फिल्में हुई गिविंग अ टोटल ऑफ 66 फिल्म्स इन फिल्मों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर टोटली उन्नीस फिल्में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम वीडियो और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर पांच पांच फिल्में रिलीज हुई यानी अ टोटल ऑफ फिफ्टीन फिल्म्स ऑन दीस थ्री प्लेटफॉर्म्स Z5 और जी Plex दोनों ही जी ग्रुप के प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर तीन फिल्में रिलीज़ हुई और शमारू मी पर एक फिल्म और इस प्रकार से 19 फिल्में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुई यानी 66 सिक्स इन द सिनेमाज एंड नाइनटीन फिल्म ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स गिविंग अ टोटल ऑफ 85 फाइव फिल्म केवल पिछयासी फिल्में 2020 में रिलीज़ हुई हर साल वैसे तो हिंदी एंड डब फिल्मों को मिलाकर 200 से कई ज्यादा फिल्में रिलीज होती है और 2020 में केवल 85 फिल्म्स तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एनुअल राउंड ऑफ ट्वेंटी सीरीज का यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड याद रहे सीरीज का अगला वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज होने को है